जिला बहावलनगर में दरियाए सतलुज की तबाहकारियां, दर्जनों हिफाजती बंध टूट गए, सैकड़ों एकड़ फसलें पानी में डूब गई। जहां कभी हस्ती बस्ती आबादियां थी वहां पानी ही पानी, जहां बच्चे खेल में मसरूफ रहते थे वहां कश्तियां चल गई। कोट मखदूम, बस्ती चावे का, बस्ती भटियां, आकू का सबसे ज्यादा मुतासर। अनवारुल हक काकड़ निगरान वजीर आजम मुकर्रर, सदर मुमलिकत ने समरी मंजूर कर ली। अनवारुल हक 2018 से सेनेट के रुकन है। बलोचिस्तान से जनरल नशिस्त पर बतौर आजाद उम्मीदवार सेनेटर मुंतखब हुए। गाजी यूनिवर्सिटी स्कैंडल, गिरफ्तार मुलजिमों का 15 अगस्त तक रिमांड मंजूर। सुलह के लिए मुदई पार्टी पर मुबैना तौर पर दबाव डाला जाने लगा। मुतासरा तलबा के वालिद को संगीन नताइज की धमकियां। मुलजमों को गुज़श्ता रोज करीमवाला से गिरफ्तार किया गया था। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान के अहकाम हवा में उड़ा दिए गए। म्यूनिसिपल कमेटी तोनसा शरीफ के 15 ठेकेदारों से 1 करोड़ रुपए की वसूली ना की जा सकी। डिफॉल्टर ठेकेदारों से पार्क्स, कैंटीन, वाटर टैक्स वसूली की रकम वाजिब अदा है। डिप्टी कमिश्नर ने ठेकेदारों की जायदाद जब्त करने के अहकाम दिए थे। ठेकेदार मुबैना तौर पर 34 लाख रुपए लेकर गायब। कहरोड पक्का रोड की तामीर 2 साल से ताखिर का शिकार। गहरे गढ़े हादसात का सबब बन गए, कीमती गाड़ियां तबाह। इलाका मकीन सरापा एहतजाज, इसलाह अहवाल की अपील। चौक सर्वर शहीद में अड्डा मोहम्मद वाला में 3 रोज से बिजली बंद। रिहायशों का मैपको सब डिवीजन के खिलाफ एहतजाज। मुल्तान मियांवाली रोड ब्लॉक कर दिया, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गए। मुजाहिरीन का कहना था 3 रोज कबल चलने वाले ट्रांसफार्मर को ताहाल तब्दील नहीं किया गया। कई मरतबा दफ्तर के चक्कर लगाए लेकिन सुनवाई ना हुई। डेरा गाजी खान में अलामा इकबाल टीचिंग हस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर को आग लगने का मामला। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहा ऑक्सीजन सिलेंडर्स की इंस्पेक्शन नहीं हो रही, कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। डायलिसिस सेंटर में सेंट्रल ऑक्सीजन की सप्लाई का भी मुतालबा। सादा लोग किसानों से लूटमार करने वालों की शामत आई। रहीमियर खान में असिस्टेंट कमिश्नर की कार्रवाई। खाद की 2 दुकानें सील, खला मंडी में जरिए अजनास और खाद की कीमतें भी चेक की। चौक सर्वर शहीद में ईरानी तेल की खरीदो फरोख धड़ल्ले से जारी। ट्रकों के नीचे टैंकियां लगाकर तेल स्मगल किया जाने लगा। कैमरा की आंख ने सारा मंजर कैद कर लिया, मुतलका इदारों ने चुप साध ली। महकमा सेहत में मुबैना करप्शन गले की हड्डी बन गई। साबिक सीईओ हेल्थ बहावलपुर डॉक्टर इकबाल समेत दीगर मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एडहॉक पर भर्तियों को मुस्तकिल करने का भी इल्जाम। कपास की बेहतर पैदावार के लिए महकमा ज़राअत मुतहरिक। 85 लाख कॉटन बेल्स का हदफ हासिल करने के लिए बहावलपुर में इजलास। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार सहू की शिरकत। कपास की मौजूदा सूरत हाल की तारीफ की। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए खुशखबरी। इल्म हासिल करने के लिए चीन जाने का मौका मिलेगा। यूनिवर्सिटी इंतजामिया और चाइना इंडस्ट्री में मुआहदा तय पा गया। खानेवाल में जमीयत अहले हदीस के जेर एहतमाम तामीर वतन सेमिनार। सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद में शिरकत। मौलाना शरीफ चंगवानी कहते हैं दिफाई इदारों को मजबूत करना है, अवाम पाक फौज के साथ है। जश्न आजादी में 2 दिन बाकी। जनूबी पंजाब भर में तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। स्टॉल्स पर खरीदारों का रश, बाजारों में मलबूसात, झंडियों और सब्ज हिलाली परचमों की बहार। मुल्तान डिवीजन में रंगारंग तकरीबात।
सनत जार में तस्वीरी मुकाबला, कौमी परचम, मीनार पाकिस्तान और मज़ार कायद के फन पारों की नुमाइश। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने एसपी चौक पर शहरियों में कौमी परचम तकसीम किए। जश्न आजादी के हवाले से मुल्तान में केक काटने की तकरीबात, कमिश्नर मुल्तान इंजीनियर आमिर खटक की जेर सदारत इजलास में केक काटा गया। बिहारी में नेशनल बैंक के रीजनल ऑफिस में तकरीब, मुल्की तरक्की और सलामती के लिए दुआ भी की गई। उधर जौनपुर में असिस्टेंट कमिश्नर आफताब इकबाल ने भी केक काटा। बहावलपुर में जश्न आजादी के हवाले से तकरीब, गर्ल्स गाइड एसोसिएशन की शिरकत, सब सफेद लिबास में मलबूस बच्चियों ने आजादी के हवाले से तकरीरें की। उधर मिनी सनतजार सोशल वेलफेयर ऑफिस जामपुर में तलबात ने मिली नगमे और टैबलोज पेश किए। सरगोधा में जश्न आजादी की तकरीबात का आगाज, कमिश्नर ने कंपनी बाग में पौधा लगाया। पीएचए की जानब से शहरियों में मुफ्त पौधे भी तकसीम किए गए। कमिश्नर की शहरियों और तलबा को अपने अपने हिस्से के पौधे लगाने की हिदायत। शहर शहर गांव गांव जश्न आजादी की तकारीब, रहीम यार खान में चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी के जेरे एहतमाम तकरीब। झोंपड़ियों के रिहायशी बच्चों ने मिले नगमे और टैबलोज पेश करके हाजरीन से खूब दाद समेटी। उधर हेमियार खान, खानेवाल और बकर के तालीमी इदारों में भी तकरीरी मुकाबले और मिली नगमे पेश किए गए। डिप्टी कमिश्नर बकर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान की क्यादत, जश्न आजादी के हवाले से फ्लैग मार्च, दर्जनों गाड़ियों पर सब्ज हिलाली परचम लगाकर शहर का दौरा। डिप्टी कमिश्नर की शहरियों को यौम आजादी भरपूर अंदाज में मनाने की हिदायत। और बहावलपुर में यौम आजादी की तैयारियां जारी, सरसाद कबासी अस्पताल में जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा परचम तैयार। 40 फुट चौड़ा और 100 फुट लंबा झंडा लहराया जाएगा। वार्ड में झंडियां लगाई जाएंगी। डीजे खान में आजादी का जश्न मनाने के लिए इंतजामिया और ताजर एक पेज पर। सखे सर्वर में सफाई सुथराई, लाइटनिंग और पाकिस्तानी परचम लगा दिए गए हैं।